फर्स्टली मैम, नई जर्नी की शुरुआत, रियलिटी शो की शुरुआत, आपको कई बार शो में देखा है, किस तरह से देखते हो ये शो, रियलिटी शो को? ये मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं इस रियलिटी शो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं चाहती थी कि मेरा पहला रियलिटी शो कुछ ऐसा ही हो एंड आई एम ग्लैड कि मेरा पहला रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी है. और हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी कि किस तरीके से लोग मेरे इस रियलिज्म को अपनाएंगे. रियलिटी शो की मैं बात करूँ, खतरों के खिलाड़ी स्पेशली यू नीड टू बी मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट, तो हाउ यू आर प्रिपेयर फॉर दिस? आई एम थिन बट आई एम नॉट अनफिट, आई एम प्रीटी फिट. और मेंटली फिट तो आई थिंक हर कोई होता है, वो जब आप सिचुएशन पे आप उसे डालें तब पता चलता है कि वो मेंटली फिट है या नहीं. अब वो तो हमें वहाँ जाके पता चलेगा. बट हाँ, मैंने कोशिश करी है कि कुछ नया करूँ इस बार फिर से, तो hopefully people will accept this too. And when you got to know about the show, what was the first thought came in your mind? I was very thrilled and very excited क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं खतरों के लिए पर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी. इस साल जैसे कि मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो आई थिंक ये साल वो वक्त है कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूँगी और होपफुली सबको बहुत बहुत पसंद आएगा. The way you have entertained in Anupama, you are going to entertain us on Khatron Ke Khiladi. Not only Anupama, I think I've entertained over the past few years with my different characters. लोगों को बहुत entertain किया है मैंने. अब मैं अनेरी बनकर आपको entertain करूँगी और I hope कि आपको अच्छा लगे. काफी अदर कंटेस्टेंट है, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको जिसके साथ आपको लगता है कि टफ कंपटीशन होगा? व्हेन एलिमिनेशन का टास्क होता है, यू हैव टू कंपीट विद, तब कंपटीशन किस तरह से देखते हो कोई ऐसा? मैंने ये सब सोचा ही नहीं है. जब मैं वहां जाऊंगी तब डिसाइड करूंगी कि कैसे क्या है. बट ऑफ कोर्स आई एम माय बिगेस्ट कंपटीशन, तो अगर मैं स्टंट कंप्लीट भी कर लूंगी ना तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. मुनावर फारूकी जिन्होंने हाल ही में एक रियलिटी शो भी जीता है, उनके साथ कंपटीशन किस तरह का होने वाला है आपका? कंपटीशन की वो जो फीलिंग होती है ना, वो आई थिंक हम जब केप टाउन पहुंचेंगे और रोहित सर के सामने खड़े रहेंगे तभी आएगी. फॉर नाउ आई फील कि लोगों के साथ मैंने उनसे ठीक से बात भी नहीं करी है, तो कंपटीशन है कि नहीं वो तो बहुत दूर की बात है. होपफुली व्हेन आई मीट हिम एट द एयरपोर्ट और जब हम जाएंगे तब पता चलेगा कि क्योंकि मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूँ. मैं कोशिश करूंगी कि कोशिश तो नहीं, आई थिंक दैट्स इन माय नेचर दैट मैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती हूँ. तो होपफुली हम सब अच्छे से बॉन्ड करेंगे और हंसी खुशी वहाँ पर रहेंगे.
And what will fear you the most? Height stunt, water stunt, or animal stunt? I honestly don't know. ये मेरी मम्मी पापा रोज मुझे पूछते हैं कि देखो वहाँ पे छिपकली क्या तुम्हें डर लग रहा है, देखो यहाँ कॉकरोच है क्या तुम्हें डर लग रहा है. बट यहाँ पे हम एक या दो या पांच कॉकरोच देखते हैं, वहाँ पे तो हजारों करोड़ों कॉकरोच और छिपकलियाँ डालेंगे, तब क्या होगा वो मुझे नहीं पता. रोहित सर काफी स्ट्रिक्ट है, हंसी मजाक भी होती है उनके साथ, क्या कुछ कहूँ. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट रोहित सर, क्योंकि मैंने उनको सीजन पे देखा है, वो बहुत ही फनी है और मुझे फनी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो होपफुली उनके साथ बहुत मजा आएगा. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रोहित सर कैसे मुझे गाइड करेंगे. लास्टली फैंस को क्या कहना चाहिए? थैंक यू फॉर ऑल द लव ओवर द इयर्स, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस नई जर्नी पर मेरा साथ देंगे और मेरे लिए प्रे करेंगे, और प्लीज कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच.